नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर। सो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 24/7 पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण शेयर्स की चर्चा करेंगे, जिनमें पहला है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, दूसरा भारतीय एयरटेल, इसके अलावा हम चर्चा करेंगे रिलायंस के शेयर के बारे में और ट्राइडेंट के शेयर में, और एंड में हम कुछ बातें SBI कार्ड और IRCTC के बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का कैसा रहा आज का कारोबार। तो दोस्तों देखेंगे, वोडाफोन आइडिया की जो प्रीवियस क्लोजिंग है ये है अराउंड 8 रुपीज़ के आसपास, और आप देख सकते हैं गैप अप के साथ ओपन हुआ। हाई भी 8 रुपये 50 पैसे के पास का लगाया और लो लगाता है 8 रुपये 10 पैसे का। मॉर्निंग का ही लो था ये, और क्लोजिंग भी आप देख सकते हैं NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे 8.40 के आसपास है। 5% का गेन है। अगर आप एक दिन का ही देखो तो एक दिन में इसने 5% के आपको रिटर्न प्रोवाइड कर दिए, जो कि FDR भी आप देखोगे तो FDR भी आज के डेट में 5 रुपये 80 पैसे से 6 रुपये 30 पैसे के पास ही आपको रिटर्न देते हैं। ये जो भी वो रिटर्न आपको एक साल में मिलते हैं, और आप देख सकते हैं वन डे का रिटर्न है 5% के आसपास का। क्वांटिटी ट्रेड होती है 34 करोड़ के आसपास, और आप देखते हैं डिलीवरी की परसेंटेज भी 31.43 है, मतलब कि रफली पकड़ लें तो 31.50 के परसेंट की डिलीवरी है। अच्छी डिलीवरी है, डिलीवरी की परसेंटेज बहुत अच्छी है। दोस्तों कुछ न्यूज़ डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड। दोस्तों मैंने आपको कहा है कि अगर आप शेयर मार्केट में आए हैं तो न्यूज़ को कभी भी अवॉइड मत कीजिए, और न्यूज़ हमेशा फॉलो कीजिए, क्योंकि न्यूज़ क्या करती है, आपका जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है उनको तोड़ भी देती है और उनको बना भी देती है। तो हमेशा न्यूज़ के ऊपर आपको फोकस रखना है। तो सबसे पहले न्यूज़ थी, वो थी वोडाफोन आइडिया लॉन्चिस ₹819 प्रीपेड रिचार्ज प्लान दैट ऑफर्स 2 GB डेटा डेली। तो दोस्तों अच्छी न्यूज़ थी ये, आप क्योंकि अब देखो कंपनी खुद ही प्रोग्रेस में है, कंपनी खुद चाहती है कि इसका सब्सक्राइबर बेस बढ़े, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर बेस का ऑलरेडी हमने देखा है लॉकडाउन में इनको लॉस हुआ है। तो कंपनी क्या कर रही है, डे टू डे ऑपरेशनलाइज हो रही है, अपनी एक्टिविटी को ऑपरेशन में लेके आ रही है। ठीक है, तो इसी दिशा में इन्होंने क्या किया, एक और प्लान लॉन्च किया है 819 का, जो प्रीपेड प्लान है, जो ऑफर करेगा 2 GB डेली हाई स्पीड डेटा। तो इस प्लान के बाद आप देख सकते हैं अच्छा प्लान था, जिसमें कहा है टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हैज न्यू नाउ इंट्रोड्यूस ए ₹819 प्रीपेड प्लान दैट ऑफर से 2 GB डाटा विद अनलिमिटेड लोकल एंड STD कॉल्स अलोंग विद 100 लोकल एंड नेशनल SMS ईच डे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लोकल और नेशनल SMS भी आपको मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा प्लान था, अच्छी चीज ये कल इन्होंने लेकर आई थी, तो इसी चीज़ का हमने आज देखा पॉजिटिव इफेक्ट भी रहा है। तो दोस्तों इसके आगे हम ऑप्शन चेन पे भी देख लेंगे कि कैसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है अगस्त मंथ के लिए। और दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को भी हम मद्देनजर रखते हुए कुछ ना कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो वीडियो को आप कंटिन्यूसली देखते रहें। तो अगला एक थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ था, वो पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए था, जिसमें उन्होंने बोला था टेलीकॉम इंडस्ट्री लॉसेस 82 लाख सब्सक्राइबर इन अप्रैल, प्रेशर टू कंटिन्यू। तो हो सकता है आगे भी ये प्रेशर बना रहे। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री ने ऑलरेडी 82 लाख सब्सक्राइबर लॉस किए हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री हैज़ लॉस्ट 82 लाख सब्सक्राइबर ड्यूरिंग द कंप्लीट लॉकडाउन इन अप्रैल। तो अप्रैल मंथ में इन्होंने 82 लाख सब्सक्राइबर को जो है बेसिकली सब्सक्राइबर बेस को लॉस किया है, और COVID-19 पैंडेमिक विल कंटिन्यू टू कीप द फर्दर प्रेशर। तो दोस्तों आपने यही चीज़ देखी होगी, जब चाइना में भी हमने ये सिचुएशन देखी थी, अगर आपको याद होगा मार्च अप्रैल के टाइम पे बहुत जगह हमने न्यूज़ में ये सुना था कि जो चाइना है वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत से लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए थे, या फिर लोगों एक्चुअली क्या होता उस टाइम पे भी बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह प्लान किए थे, मतलब कि एक जगह रह रहे थे और दूसरी जगह शिफ्ट करने शुरू हो गए थे, प्लान करना स्टार्ट हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, या तो अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए, या फिर उनके जो उनकी सिम थी वो काम करना बंद कर गई थी, क्योंकि क्या होता है कुछ दिन तक अगर हम रिचार्ज नहीं कराते तो हमारी सिम भी काम करना बंद कर देती है। तो यही चीज़ कुछ ना कुछ इन कंपनीज़ को भी फेस करनी पड़ी, क्योंकि हमें पता है जो हमारे श्रमिक थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, उन्होंने भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन की थी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से भी लोग, बहुत से लोग उस टाइम पे रिचार्ज वगैरह नहीं करवा पाए, या फिर सब्सक्राइबर जो भी कुछ लॉस हुआ था तो इन कंपनीज़ को सहना पड़ा अप्रैल मंथ में। तो ये हो सकता हम आगे वाले आने वाले टाइम में भी ये देखने को मिले न्यूज़ में हमें। तो दोस्तों आगे देखेंगे, इन्होंने कहा है कि ये वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल ने लॉस किया, वही इन्होंने बोला था कि रिलायंस जियो ने सब्सक्राइबर बेस को गेन किया था। तो दोस्तों आगे न्यूज़ के बाद हम ये बात देखते हैं अभी एक बार ऑप्शन चेन पे कैसा डाटा बन रहा है। तो दोस्तों वो तो आगे भी न्यूज़ चलती रहेगी कि वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल के सब्सक्राइबर लॉस हुए हैं, क्योंकि बेसिकली तो COVID-19 की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको ज़्यादा सहना पड़ा। और वोडाफोन आइडिया को तो इसलिए भी सहना पड़ा क्योंकि अब मार्च की हियरिंग में
सुप्रीम कोर्ट का भी थोड़ा सा सख्त सख्त रुख था, जो अभी हम देख रहे हैं अभी की हियरिंग में उतना सख्त नहीं रहा है। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर कैसा डेटा बन रहा है। तो अब सबसे पहले देखते हैं, जो हम मैं अब एक्सपायरी यूज़ कर रहा हूँ वो अगस्त मंथ की कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपायरी की डेट आप देख सकते हैं 27 अगस्त 2020 है। तो अब आप समझ चुके होंगे, अगर आप मेरे चैनल के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, 27 अगस्त के दिन क्या बार होगा, गुरुवार। आप ये चीज़ ध्यान रखना, जो हमेशा एक्सपायरी होती है नियुक्ति की वो कब की होती है, जो लास्ट थर्सडे होता है किसी भी मंथ का, ठीक है। अभी अगस्त में कब आ रहा है, 27 को। अभी की बात करें जुलाई की, जुलाई का था 30th को, तो हम जो निफ्टी की एक्सपायरी थी वो 30 जुलाई की थी, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो एक्सपायरी होती है वो हमेशा थर्सडे का दिन होता है एवरी मंथ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अभी सपोर्ट कहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं हम दोस्तों, तो 8 रुपये के लेवल पर अच्छा सपोर्ट जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हैं 1 करोड़ 56 लाख के आसपास का। उसके बाद 7 रुपीज़ के लेवल पर भी अच्छा सपोर्ट है, 1 करोड़ 47 लाख शेयर के आसपास का। तो दोस्तों ये पुट साइड पे हमने देख लिया OI जनरेट हो रहा है, वो 8 रुपीज़ और 7 रुपीज़ के लेवल पे अच्छा जनरेट हो रहा है। एक बार हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं कहाँ पे जनरेट हो रही है। आप देख सकते हैं कोल की राइटिंग तो 17 रुपये के लेवल तक हो रही है, बट जो इमीडिएट आप देखेंगे रेजिस्टेंस है वो है 9 रुपये के लेवल पे। 9 रुपये के लेवल पे अच्छा OI जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट है अराउंड 2 करोड़ 4 लाख शेयर का, मतलब कि अभी शेयर को 9 रुपये का लेवल भी तोड़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बट आपको पता है कोई अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी तो 9 रुपये का लेवल ये तोड़ भी सकता है इजीली। तो दोस्तों अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, अभी के लिए आपको ध्यान रखना है 7 रुपये 90 पैसे से लेके 8 रुपये का लेवल, या फिर आप पकड़ के चले 7.80 से लेके 9 रुपीज़ का लेवल। अगर 7.80 to 8 रुपीज़ का लेवल, मतलब कि 7 रुपये 80 पैसे से अगर 8 रुपये के लेवल के बीच में आता है, तो आप चाहें तो वहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ बाइंग कर सकते हैं। आप चाहें तो 100-200 क्वांटिटी के साथ बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7.50 का, ठीक है। तो काफ़ी जब तक ये AGR की जो हियरिंग है वो जब तक आ नहीं जाती है, तब तक आप इसी लेवल पे बाइंग करके रखें। 7 रुपये 80 पैसे से 8 रुपये के बीच में मिलता है तो बाइंग कर लें, और जो टारगेट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 8 रुपये 80 पैसे के आसपास के। ये दोस्तों आपको मैं पर्सनली ये टारगेट बता रहा हूँ, अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट फिर भी आप स्टॉप लॉस रखना वो 7 रुपये 50 पैसे का ही रखना, और बाइंग करना अगर मौका मिला 7 रुपये 80 पैसे से 8 रुपये के बीच में करना, ठीक है। अगर कल को अगर कोई चेंज होता है कुछ सिनेरियो में, या फिर कोई अच्छी या फिर कोई बुरी न्यूज़ आती है, वो मैं आपको साथ का साथ अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ बाइंग कीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी वोडाफोन आइडिया कुछ भी कंफर्म नहीं है, अभी एक पैनी स्टॉक है, ठीक है। पैनी स्टॉक में अपने को क्या करना होता है, अपने को ज़्यादा पैसा नहीं डालना होता है, हमेशा उतनी क्वांटिटी के साथ बाइंग करें जिसमें आपको लगता है या कल को मेरा पैसा अगर शून्य भी हो जाए तब भी मेरे को नुकसान ना हो। तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाइंग कीजिए हमेशा पैनी स्टॉक है। पैनी स्टॉक का क्या होता है, किस्मत होती है, अगर चल गया तो ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा साबित होगा, अगर नहीं चला तो बिल्कुल आपको जीरो भी कर देगा। इसलिए ज़्यादा पैसा इन शेयर्स में नहीं लगाना है। आगे बता दूंगा मैं आपको किस शेयर में आपको रिस्क लेना है, तो वहाँ पे ले सकते हैं। तो अभी क्या करना, आप ज़्यादा शेयर बाई मत करना, 100-200-400 अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से। हमेशा पैनी स्टॉक में एक ही चीज़ रखनी कि कल को अगर ये जीरो हो गया तो मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आगे डिस्कस करेंगे हम एयरटेल के बारे में। तो दोस्तों भारतीय एयरटेल का मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी डेफिनेटली सर्वाइव करेगी, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी, आपको पता भारतीय एयरटेल ग्रुप काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस ग्रुप है। तो अभी देखें तो एयरटेल ने भी आपको पता Q1 नेट लॉस बाइडेंस 2 रुपीज़ 15,933 करोड़, रफली पकड़े तो 16,000 करोड़ का इन्होंने लॉस शो किया है इस बार की बैलेंस शीट में। तो बट इनका जो मेन लॉस का कारण था वो था AGR ड्यूस पे आउट, मतलब कि इन्होंने कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट की है जिसकी वजह से इनको इतना बड़ा लॉस हुआ है। तो दोस्तों अगर हम यही चीज़ इनकी Q1 बेसिस पे भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं द कंपनी हैज रिपोर्टेड ए कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू ऑफ ₹23,938 ड्यूरिंग Q1 FY21, मतलब Q1 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 23,000 करोड़ के आसपास का नेट रेवेन्यू दिखाया। वहीं इनका जो रेवेन्यू है वो 15.4% बढ़ा है, मतलब कि पिछले साल यही था 20,000 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों ARPU जो इनका डेफिनेटली कंपनी का बढ़ रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। उसके बाद इन्होंने का लॉस आफ्टर टैक्स देख सकते हैं, साय मैसिव इंक्रीज है 15,191 करोड़, ठीक है, एज अपोज टू ₹2,392 करोड़ इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर, मतलब कि लास्ट ईयर ये अराउंड 2,392 करोड़ के आसपास था। तो दोस्तों यही एडजस्टमेंट हमें वोडाफोन आइडिया में भी देखने को मिली थी, Q4 में भी इन्होंने कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड किया था जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया का भी लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। बट
फिर भी अगर हम मान के चले तो इस क्वार्टर में भी हो सकता है वोडाफोन आइडिया का डेफिनेटली एयरपीयू बढ़ेगा ही, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरनेट यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा इंटरनेट की सर्विस यूज़ की, तो एयरपीयू बढ़ेगा। बट हो सकता है अगर वोडाफोन आइडिया भी एक्सेप्शनल आइटम को अगर बैलेंस शीट में ऐड करता है तो वोडाफोन आइडिया का भी हमें लॉस पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। बट अगर वोडाफोन आइडिया को, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल को 15 साल का टाइम पीरियड भी मिल जाता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी कह चुका है कि हमें 15 साल का भी पीरियड मिलता है, देन डेफिनेटली वी विल ग्रो, हम अच्छा ग्रो कर जाएंगे और हम सारे का सारा जो भी एजीआर ड्यूज है वो भी चुका देंगे और हम इंडिया में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर देंगे। क्योंकि वोडाफोन आइडिया के आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, अराउंड 15,000 के आसपास तो उनके में डायरेक्ट एम्प्लॉई वर्क करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अब हमें नेक्स्ट एजीआर हियरिंग पे भी फोकस रखना है। कुछ भी अगर बीच में न्यूज़ आ जाती है बड़ी तो मैं डेफिनेटली आपको पता अपडेट करता रहूँगा आपको, बट फिर भी आपको क्या करना है, एक बार सारी चीज़ों को देखते जाना है, जो भी मैं न्यूज़ अपडेट करूँगा उनके ऊपर भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा। इसके बाद दोस्तों डिस्कस करेंगे हम रिलायंस क्वार्टर वन रिजल्ट के बारे में। बस दोस्तों एक बार मैं भारतीय एयरटेल के बारे में आपको ये कहना चाहूँगा कि भारतीय एयरटेल मुझे खुद ऐसा लगता है कि बड़ा शेयर बन सकता है, आप चाहें तो उसमें भारतीय एयरटेल में एक स्मॉल बाइंग कर सकते हैं, मतलब एक या दो क्वांटिटी करके आप बाई कर सकते हैं और बाई ऑन डिप की जो भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो कर सकते हैं BOD का, ठीक है। उससे क्या होगा दोस्तों, आपका हमेशा जो एवरेज होगी वो कम रहेगी और आपको प्रॉफिट होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। तो आप चाहें तो भारतीय एयरटेल में बाइंग ऑन डिप्स कर सकते हैं, दो तीन शेयर हर मंथ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय एयरटेल को अगर थोड़ा सा पॉजिटिव किक मिलता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ये शेयर डेफिनेटली मुझे 4 डिजिट में भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बट फिर भी आप बाइंग ऑन डिप्स ही अपनाएं, ज़्यादा पैसा नहीं लगाएं। तो रिलायंस क्वार्टर वन के रिजल्ट थे, वो प्रॉफिट आप देख सकते हैं 31% जंप किया ईयर ऑन ईयर टू ₹13,203 करोड़ ऑन एक्सेप्शनल गेंस, ठीक है, बीट स्ट्रीट एस्टिमेट। दोस्तों बेसिकली क्या हुआ, इन्होंने अपने जो भी इनका बैलेंस शीट थी उसमें इन्होंने नेट प्रॉफिट में जो इनका एक्सेप्शनल आइटम था उसको ऐड किया, जिसकी वजह से इनका ये प्रॉफिट बढ़ गया। बट आपको पता है मार्केट ने वो एक्सेप्शनल आइटम को इनकी पसंद नहीं किया और आपने देखा वो आज भी जो रिलायंस का शेयर था वो हमें लाल निशान में ही देखने को मिला, अराउंड 1.84% की गिरावट के साथ ये शेयर बंद हुआ। तो दोस्तों मेन डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे इनको बेनिफिट हुआ और कहाँ कहाँ पे लॉस हुआ। तो आप देख सकते हैं रिलायंस जियो प्रॉफिट जूम्स 182%। जो रिलायंस जियो था, आपने देखा रिलायंस इंडस्ट्री का तो जो आपको पता हुआ होना चाहिए पहले तो चीज़ कि रिलायंस इंडस्ट्री एक बड़ा ग्रुप है, उसी के अंदर रिलायंस जियो आता है, उसी के अंदर इनका पेट्रोकेमिकल बिजनेस आता है, उसी के अंदर इनका रिटेल आता है, ठीक है। तो एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर ये सारी कंपनियाँ आती हैं। जब ये सारी कंपनियाँ जुड़ जाती हैं, इनका सारा जो भी प्रॉफिट और लॉस जुड़ जाता है तो वो कंबाइंड बनता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो रिलायंस जियो का आपको पता है इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिसके बाद हमने देखा रिलायंस जियो का जो प्रॉफिट था बहुत ज़्यादा शानदार बढ़ा 182%, ठीक है। लास्ट क्वार्टर की तरह हम कंपेयर करें तो बहुत अच्छा इन्होंने का ये बढ़ा है। उसके बाद हम देखें ARPU भी आप देखते हैं ₹140.30 हो गया। ARPU कहता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, मतलब कि हर एक यूज़र से इनको कितना पैसा आ रहा है। वहीं हम देखें तो लास्ट क्वार्टर में ये ₹130.60 के आसपास था, ठीक है। रिलायंस रिटेल रेवेन्यू ड्रॉप 17%। रिलायंस रिटेल आपको पता है रिटेल सबका इस टाइम पे बुरा हाल चल रहा था, तो रिलायंस रिटेल का भी 17% गिरा। उसके बाद देख सकते हैं इनका जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है उसका भी रेवेन्यू 33% डाउन था। उसके बाद हम देखें रिफाइनिंग, जो इनका रिफाइनरी का भी रिलायंस रिफाइनरी में भी डील करती है, वहाँ पे इनका रेवेन्यू 54% श्रिंक हुआ। वहीं हम देखें ऑयल एंड गैस बिजनेस रेवेन्यू डाउन 45%। तो दोस्तों एक तो सऊदी अरेमिका के साथ, सऊदी अरेमको के साथ इनकी जो डील है वो भी फाइनलाइज नहीं हो रही है, क्योंकि वो अगर डील फाइनल हो गई तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर 5,000 तक जा सकता है, बट उस डील के होने के चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेमिको और इनकी जो डील है वो बेसिकली तो ऑयल से रिलेटेड, और आपको पता ऑयल के प्राइसेस स्टेबलाइज हो ही नहीं रहे हैं। तो मीडिया बिजनेस भी इनका श्रिंक होता हुआ देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं जो इनका मेन था वो था रिलायंस जियो। कल को जी अगर रिलायंस जियो को अलग से IPO की फॉर्म में लॉन्च कर देंगे तो आप देखेंगे बाकी सारे इनके बिजनेस डाउन ही रहे थे, जिसको मार्केट ने भी एक्सेप्ट नहीं किया इनके जो भी आज के रिजल्ट थे। उसके बाद हमने देखा शेयर में काफ़ी करेक्शन आया, 1.84% आज शेयर ये गिर चुका था। आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों ट्राइडेंट के बारे में। दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब ये ₹5.90 से ₹6 के लेवल में आया था कि आप वहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई कर लेना 100-200 क्वांटिटी में। कभी भी आपको पैनी स्टॉक में ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप इसमें 10,000 लगा दो 20,000 लगा दो, आप छोटी क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करना और उतनी क्वांटिटी के साथ करना कि कल को अगर आपकी वैल्यू 0 भी हो जाए तो आपको लॉस ना हो। तो ट्राइडेंट के शेयर में अभी जो लास्ट अभी भाग रहा है, इसलिए भाग रहा है क्योंकि प्रमोटर ने खुद से शेयर में अपना स्टेक बाई किया है, जिसके बाद से ये शेयर भाग रहा है। पर दोस्तों अभी आप अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं शेयर को, अभी अब इसमें ज़्यादा बाइंग मत करें,
जब इसमें कुछ बाइंग का लेवल बनेगा तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा कि इसमें आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाइंग करें, बट अभी आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो टोटली ट्राइडेंट के शेयर को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइडेंट का शेयर भी क्या एक पेनी स्टॉक है, अगर चल गया तो ये लक के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर चल गया तो बहुत अच्छा कर देगा, अगर नहीं चला तो आपको नीचे भी लेके आ जाएगा, तो हमेशा पेनी स्टॉक में ज़्यादा पैसा अपने को नहीं लगाना होता है। अगली न्यूज़ है, आप देख सकते हैं शानदार न्यूज़ है, SBI कार्ड IRCTC को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ओनली रुपे प्लेटफॉर्म, तो IRCTC और SBI कार्ड के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई है, जिसके बाद इन्होंने को ब्रांडेड मतलब कि दोनों कंपनी मिलके कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है रुपे के प्लेटफॉर्म पे। आपको पता है NPCI रुपे ये सब भारत के प्रोडक्ट हैं और हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम रख रहे हैं, तो उस दिशा में ये फिर से एक रुपए प्लेटफॉर्म पे इन्होंने एक अपना जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया। आपको पता है SBI कार्ड के इस बार क्वार्टर वन के नतीजे कितने शानदार थे, बहुत ही शानदार नतीजे रहे थे, जिसके बाद हमने देखा SBI कार्ड का शेयर 790-780 के बाद के आसपास भी गया था। तो दोस्तों वही चीज़ है, अभी थोड़ी सी करेक्शन चल रही है, वो शेयर डाउन है, और IRCTC तो का तो आपको पता है IRCTC इसलिए डाउन चल रहा है क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही हैं, इवन IRCTC की तरफ से खुद भी ये बयान आ चुका है कि अक्टूबर तक टाइम लगेगा ट्रेन को नॉर्मलाइज होने में। तो दोस्तों IRCTC और SBI कार्ड ऐसे शेयर है, अगर यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ बाइंग करना चाहे BOD ले सकते हैं, क्योंकि ये शेयर ऐसे हैं ये एक तो सरकारी कंपनियां कभी आपको डूबेंगी नहीं, और आपको पता है SBI कार्ड मोनोपोली का बिजनेस है, जिसका खुद का स्टॉक लिस्ट जो स्टॉक मार्केट होती है हमारी उसमें लिस्टिंग है। वैसे तो HDFC कार्ड करके भी आता है, बट HDFC कार्ड HDFC बैंक के अंदर आता है, और SBI कार्ड एक अलग से IPO लेके आया था, मतलब कि SBI कार्ड एक अकेली कार्ड की कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट है, ठीक है। तो और IRCTC तो आपको पता मोनोपोली बिजनेस है, अगर किसी को भी ट्रेन बुक करवानी हो, इवन आप ये मान के चले कि सपोज करो अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी जी को भी टिकट बुक करवानी हो, तो वो जो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे वो भी IRCTC का यूज़ करेंगे, चाहे वो पेटीएम से करवाएं चाहे किसी से भी करवाएं, एंड में जब जहां जाना पड़ेगा एंड यूज़र इंटरफेस होगा वो IRCTC का ही होगा। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं जब ये लॉकडाउन या फिर कोविड की प्रॉब्लम रिजोल्व होएगी, ट्रेनें फुल फ्लैश कैपेसिटी के साथ चलने लगेंगी, तो IRCTC का शेयर हमें डेफिनेटली एक रफ्तार पकड़ता हुआ देखने को मिलेगा, और ये शेयर इजीली आपको पता 2000 का लेवल भी टच कर देगा। तो आप चाहें तो IRCTC में BOD अपना सकते हैं, आपने देखा था ऑलरेडी ये शेयर 700-750 के लेवल तक भी आया था, तब भी मैंने बोला था कि इसको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बाई कर लेना, अगर आपने वहाँ पे भी बाई किया होगा तो आज की डेट में डबल प्रॉफिट में बैठे हैं। तो दोस्तों ये सब आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, आगे हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं क्या था ये डील में। तो SBI कार्ड एंड IRCTC ऑन July 28 लॉन्च द IRCTC SBI कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म डिजाइन टू रिवार्ड फ्रिक्वेंटली रेलवे ट्रेवलर्स, द कार्ड ऑफर ट्रेवलर्स ऑन इंडियन रेलवे मैक्सिमम सेविंग प्रोपोजिशन ऑन देयर ट्रैवल। तो डेफिनेटली ये सब जो भी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होते हैं उनको डेफिनेटली कुछ बोनस पॉइंट वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे इसमें। अब देख सकते हैं द कार्ड आल्सो ऑफर से 1% ट्रांजेक्शन फी वेवर एंड 350 बोनस रिवार्ड पॉइंट अपॉन कार्ड एक्टिवेशन। तो कार्ड एक्टिवेशन पे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे और 1% आपको हर ट्रांजेक्शन पे वेव मिलेगा, मतलब कि अगर आप सपोज करो 1000 रुपये का कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 1% का वेवर मिलेगा, मतलब कि आपके 10 रुपये बचेंगे। वहीं पर अगर आपने बड़ा आपने सपोज करो AC की बुक करवाई है तो 4000 में 1% मतलब कि 40-50 रुपये का आपको कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन वेवर मिलेगा। तो डेफिनेटली अच्छी स्कीम है ये, आगे भी ये कंपनियां दोनों मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं इन कंपनी में बाइंग भी करता रहता हूं जब भी मुझे बाई BOD का मौका मिलता है। तो आप चाहें तो ऐसी कंपनीज में, शुरू में आपको बोला था मैं बताऊंगा आपको किस कंपनी में आप BOD ज़्यादा क्वांटिटी के साथ भी स्टार्ट करते हैं, तो IRCTC और SBI कार्ड यहाँ पे आप चाहें तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज करके थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में भी बाई कर सकते हो। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस।